जय श्री राम। मैं स्वाति अग्रवाल, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड अ हीलर, आपके लिए लेकर आई हूँ कि 3 नवंबर से 9 नवंबर का आने वाला वीक सभी राशियों के लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज के लिए ये वीक कैसा जाएगा। एरीज के लिए आया है द टेम्परेंस। ये कार्ड हो सकता है दिल दिमाग की ना सुने, दिमाग दिल की ना सुने, कुछ स्ट्रेस हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप जाके गाइडेंस लीजिए, लोगों से बात कीजिए। अब आपकी गाइडेंस निकाली है तो आया कार्ड है ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग बताता है कि थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और ये वीक अच्छा जाएगा, थोड़ा बाहर निकलिएगा घर से। अब निकालते हैं टॉरस के लिए। टॉरस के लिए कार्ड आया है द स्टार। ये बताता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी, आपकी बातों को काफ़ी वेटेज दिया जाएगा, ये वीक काफ़ी अच्छा है। अब आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। ये दिखाता है कॉन्शियसनेस। ये कार्ड आपको बताता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने इनर सेल्फ को देखना है कि कहाँ आप लैक कर रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों को देख के ओवरकम कर पाएंगे तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे हम जेमिनी की। जेमिनी के लिए आया है 10 ऑफ वांड्स। हो सकता है दिवाली के बाद का वीक है कि काफ़ी ज़्यादा आपका काम का प्रेशर आ जाए और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आप खुद ले भी लो। अगर ऐसा लग रहा है ना तो मैं आपको बोलूँगी अपना प्रेशर डिवाइड कीजिए, मतलब अपना काम लोगों को भी दीजिए, सारा काम खुद पे मत लेके बैठिए, कहीं ना कहीं तबीयत खराब हो सकती है। और यही गाइडेंस आपका बता रहा है अलोननेस, कि सारा काम आपने खुद के ऊपर ले लिया है, थोड़ा सा डिवाइड कीजिए, थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम कैंसर की। कैंसर के लिए कार्ड आया है द 5 ऑफ वांड्स। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, आपके मन मुटाव हो सकते हैं, जो आप कह रहे हैं कि लोग ना उस पर अग्री करें, या ये भी हो सकता है कि आपका कोई भी जो डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं उसमें काफ़ी रुकावट आए। कोई बात नहीं, आप इसमें और आराम से देखिए। आपका जो गाइडेंस का कार्ड आया है वो भी साइलेंस का कार्ड आया है। ये टाइम अगर अच्छा नहीं है तो चुप रह के बताइए, लड़िएगा मत, अपने ओपिनियन को बहुत स्ट्रांगली मत रखिएगा। इस वीक में आपको बोलूँगी थोड़ा शांति से रहिए, अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं लियो की। लियो के लिए आया है द चैरियट। जो करना चाहते हैं करिए, आपका ये मूवमेंट का कार्ड है, स्टैग्नेंसी का नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में रुकावट आ गई है तो आगे बढ़िए, अगर थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, मूवमेंट रखेंगे तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं गाइडेंस की। गाइडेंस में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ें प्रोकास्टिनेट करें कि अभी नहीं, चल मैं नेक्स्ट वीक कर लूँ, ये चीज़ आप मत कीजिएगा। अदरवाइज़ आपके लिए ये वीक काफ़ी ट्रैवल भी दिखा रहा है और नई एनर्जी दिखा रहा है। अब बात करेंगे वर्गो की। वर्गो के लिए आया है हमारा 7 ऑफ कप्स। ये दिखाता है कि मल्टीपल ऑप्शंस, आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, कई आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होंगी, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। गाइडेंस के लिए मैं आपको बोलूँगी स्ट्रेस। आपके लिए स्ट्रेस का कार्ड आया है कि सारी चीज़ें आप अपने मन में रखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहेंगे। तो वर्गो पीपल, स्ट्रेस कम लीजिए, अपने इनर पीस पे, अपने पे फोकस कीजिए, अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा के लिए आया है 9 ऑफ वांड्स। ये कार्ड दिखाता है कि कंपैरिजन, हम हमारी लाइफ में इस वीक में काफ़ी कंपैरिजन कर सकते हैं, उसका क्या ग्रोथ चल रहा है, वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं जेलिसी फैक्टर आ सकता है। दूसरा, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, मुझे लगता है कि थोड़े हेडेक्स ज़रूर हो सकते हैं, हेडेक्स हो गया, माइग्रेन हो गया। और आपकी गाइडेंस का कार्ड आया वी आर द वर्ल्ड। दिस कार्ड शोज़ कि अगर आप यूनिटी के साथ सबको एक साथ लेके चलेंगे, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो, तो ये वीक आपके लिए अच्छा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिर्फ खुद पे फोकस करने की बजाय अपने पूरी फैमिली पे, अपने पूरे ऑफिस पे टीम वर्क कीजिएगा, ये वीक अच्छा जाएगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की।
स्कॉर्पियो के लिए ये भी कैसा जाएगा, स्कॉर्पियो के लिए आया है द फूल। ये कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी इनोसेंस से ये वीक काफ़ी अच्छा बिताएंगे। आपने सिर्फ अपनी गट फीलिंग पे ध्यान देना है, यूनिवर्स आपके साथ है और आपको सपोर्ट करेगा, जो मन करे करो बट अपनी गट फीलिंग को इग्नोर मत करो। यूनिवर्स भी आपको ये कहना चाहता है कि आइसोलेशन में मत जाओ, कहीं ना कहीं अकेले बैठ के चीज़ों पे रो मत कि ये नहीं हुआ। अगर आप थोड़ा सा फोकस खुद पे करोगे और नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तो दिस इज़ अ वेरी गुड वीक फॉर यू। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड दिखाता है कहीं ना कहीं आपका दिल दुख सकता है, कोई आपको ऐसी कोई बात कह दे जिससे आपका दिल बहुत दुखेगा, तो आप क्या करेंगे, गुस्सा होंगे, रोएंगे या उस चीज़ को इग्नोर करेंगे। चीज़ों को दिल पे इतना मत लेके जाइए, आपके लिए बेटर रहेगा। और ये देखिए यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स भी आपसे कहना चाहता है कि लोग तो बोलेंगे, आपको उसको दिल पे नहीं लेके जाने, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, इनर पीस पे जाइए, इनर लव पे, सेल्फ लव पे जाइए। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के लिए ये वीक आया है द लवर्स कार्ड। सेल्फ लव में जाइए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप दुनिया के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, खुद के लिए क्या करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेल्फ लव में जाने की ज़रूरत है। और आपके लिए आया है द रेबल का कार्ड। यूनिवर्स भी आपको कहना चाहता है जो भी आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना, उसको छोड़ के खुद की एनर्जीज को आपने बढ़ाना है और सेल्फ लव में जाना है। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए ये वीक कैसा जाएगा। एक्वेरियस के लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड दिखाता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट जितनी मेहनत अगर आप करेंगे उतना फल और उतना पैसा आपको मिलेगा। देखते हैं यूनिवर्स क्या कहता है। यूनिवर्स भी कहता है सेलिब्रेशन, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा आएगा, तो मेहनत करो पैसा आएगा। लास्ट राशि है हमारी पाइसेस। स्पाइसेस के लिए ये वीक दिखाता है सेलिब्रेशन। ये वीक आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जाने वाला है, कोई गुड न्यूज़ लाने वाला है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स भी हार्मनी, सेल्फ लव, पीस के बारे में बता रहा है। तो ये वीक आपका इमोशनली बहुत अच्छा जाएगा, गुड न्यूज़ मिलेगा, डांस कीजिए, इंजॉय कीजिए, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच सारी राशियाँ सुनने के लिए। मैं स्वाति अग्रवाल आपसे अगले हफ्ते ज़रूर मिलूंगी। जय श्री राम। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon to stay updated on all our new videos. See you next time.